गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमारा जो लास्ट लेक्चर था उसमें हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की थी। ठीक है, किसके ऊपर डिस्कशन किया था? इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर विद्युत क्षेत्र, राइट? बच्चों, जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड था वो हमने देखा कि कल इसकी वैल्यू लास्ट में E इज इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर कैप आती है। ठीक है, कैसे? देखिए, अगर कोई चार्ज Q है उससे आर डिस्टेंस दूर, ये Q इससे आर डिस्टेंस दूर, यहाँ पर इस पॉइंट P पर अगर हमसे कोई कहे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है तो हम कहेंगे कांस्टेंट ऑफ K, जो चार्ज है Q उसको लिया, अपॉन में R का स्क्वायर। ठीक है, दूसरा बच्चों, जो यहाँ पे चार्ज Q है, हमें डायरेक्शन देखने के लिए यहाँ पे अपन एक अननोन चार्ज मान लेते हैं जो कैसा है, Q नॉट है, प्लस का है, और ये हमेशा कैसा होना चाहिए, प्लस का होना चाहिए। ठीक है, तो प्लस प्लस को क्या करता है, रिपेल करता है, तो इसकी डायरेक्शन कैसी होगी, यहाँ पे होगी, जिसे कहा हमने आर कैप। तो यहाँ क्या लगा बच्चों, आर कैप। अगर इनसाइड होती, ठीक है, ऐसे होती अंदर की तरफ, तो हम कहते बच्चों माइनस का आर कैप। तो ये वाली बात हमने विद्युत क्षेत्र के लिए कल पढ़ी थी। दूसरा, इसकी जो यूनिट आती थी वो क्या आती थी, न्यूटन पर कूलाम आती थी। न्यूटन पर कूलाम मतलब कि फोर्स अपॉन में चार्ज की यूनिट इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट थी। स्टूडेंट, आज जो हम लोगों को इसके लिए करना है वो ये है, सपोज कीजिए अभी तो एक चार्ज है तो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ली है। अगर नंबर ऑफ चार्जेज हैं, ये Q2 है, Q3 है, Q4 है, तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे? तो उसके लिए हमें पढ़ना है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, राइट? इसको हिंदी में कहते हैं अध्यारोपण सिद्धांत, अध्यारोपण सिद्धांत। ठीक, देखिए इसको हटाते हैं, अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। यहां से हम इसको इस तरीके से निकालेंगे कि सपोज कीजिए एक पॉइंट है मेरे पास में पी, ठीक है, जो किसी भी एरिया के अंदर रखा हुआ है, एक पॉइंट पी। बच्चों, इससे कोई क्यू दूरी, कोई किसी दूरी पे चार्ज रखा है क्यू वन। मैंने कहा ये इससे कितनी डिस्टेंस पे है, आर वन पे, ठीक है ना। यहां से आर टू डिस्टेंस पे क्या रखा हुआ है, क्यू टू, ठीक। यहां से R3 डिस्टेंस में क्या रखा हुआ है, माइनस का Q3 रखा हुआ है, माइनस का चार्ज है। आपसे कहा गया है E नेट कितना होगा, एक वेक्टर क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो मैंने यहां लगा दिया वेक्टर। तो देखिए इसके लिए ये दोनों, ठीक है, Q और यहां पे P, मैंने कहा था ना अगर किसी पॉइंट पे फाइंड करना है वहां एक अननोन चार्ज प्लस का रख दो क्यू नॉट, ये प्लस का, ये प्लस का, इसको क्या करेगा, रिपेल। तो इससे लाइंस कहाँ जाएंगे, बिल्कुल इसके सीधे में। ये क्या बोला हमने इसको बच्चों, ई ई पी वन वेक्टर, मतलब कि इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन पी ड्यू टू वन, ई पी वन, इलेक्ट्रिक फोर्स पी पर किसके कारण,
वन के कारण, ई पी वन। ठीक, टू का देखिए, ये प्लस का चार्ज है, ये भी प्लस का चार्ज है, तो ये इसको क्या करेगा स्टूडेंट्स, रिपेल करेगा, और मैंने क्या लिखा, ई पी टू वेक्टर, मतलब कि पी टू मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन पी ड्यू टू टू, इलेक्ट्रिक फील्ड पी पर दो के कारण, इलेक्ट्रिक फील्ड पी पर दो के कारण। क्लियर। मैं थ्री का देखें, अगर बच्चों थ्री कैसा है, माइनस का है ना, माइनस और ये प्लस, प्लस माइनस एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे बनेगी, इसकी ही डायरेक्शन में बनेगी, जिसको नाम दिया ई पी थ्री वेक्टर। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन बनी, एक तो ये बनी, एक ये बन रही है और एक ये बन रही है, राइट। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या करेंगे, इन तीनों का वेक्टर योग कर देंगे, इन तीनों का सदिश योग कर देंगे, वेक्टर सम कर देंगे। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, ई पी वन वेक्टर। ठीक, इसके लिए ई पी टू वेक्टर। थर्ड वाले के लिए क्या लिखेंगे बच्चों, ई पी थ्री वेक्टर, और ये आएगा क्या हमारे पास में, इसका नेट, राइट। तो देखिए एक बार, सबसे पहले हम इन दोनों का नेट निकालेंगे जो इसकी डायरेक्शन पे आएगा, और फिर इन दोनों का नेट निकालेंगे। कुछ ऐसे हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, वेक्टर सम करना है। वेक्टर का फॉर्मूला आपको मालूम है, किसी भी दो चीज़ों को वेक्टर करते हैं तो आंसर आता है, जैसे सपोज कीजिए यहाँ रखा है एक ए वेक्टर, यहाँ है क्या बी वेक्टर, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है थीटा, तो आंसर आता है रूट में ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर 2ab cos थीटा, मतलब a और b के बीच का निकाल रहे थे तो एंगल भी इन दोनों के बीच का आ जाएगा, a से b के बीच का एंगल cos थीटा। तो बच्चों ये वाली बात हमारी कंप्लीट हुई, हम इसको लिखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसको लिखना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें लिख रहे हैं, टॉपिक डालिए सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, अध्यारोपण सिद्धांत। टॉपिक डालिए सुपरपोजिशन प्रिंसिपल या फिर अध्यारोपण का सिद्धांत, और डायग्राम बनाइए इसका पहले। मैं सबसे पहले हिंदी मीडियम के लिए बोल रही हूँ, ठीक, उसके बाद में इंग्लिश मीडियम की बात करते हैं। तो पहले हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट अध्यारोपण का सिद्धांत लिखिए, और डायग्राम के लिए स्पेस छोड़ दीजिए, पहले लिख लेते हैं अपन। तो अध्यारोपण सिद्धांत, अध्यारोपण सिद्धांत, तो देखिए हिंदी मीडियम वाले को, इसमें देखिए, अनेक आवेशों की उपस्थिति में, अनेक आवेशों की उपस्थिति में, अनेक आवेशों की उपस्थिति में किसी आवेश पर, अनेक आवेशों की उपस्थिति में किसी आवेश पर अनेक आवेशों की उपस्थिति में किसी आवे किसी पॉइंट पर किसी बिंदु पर, ये लिखना ठीक है, अनेक आवेशों की उपस्थिति पर किसी बिंदु पर, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान, विद्युत क्षेत्र का मान
विभिन्न आवेशों के द्वारा, विभिन्न आवेशों के द्वारा, विभिन्न आवेशों के द्वारा स्वतंत्र रूप से, स्वतंत्र रूप से उस आवेश पर कार्यरत, उस आवेश पर कार्यरत विद्युत क्षेत्रों के, विद्युत क्षेत्रों के विद्युत क्षेत्रों के सदिश योग के बराबर होता है, सदिश योग के बराबर होता है। वापस बोल रहे हैं, अनेक आवेशों की उपस्थिति में किसी आवेश पर परिणामित विद्युत क्षेत्र विभिन्न आवेशों के द्वारा स्वतंत्र रूप से उस आवेश पर कार्यरत विद्युत क्षेत्रों के सदिश योग के बराबर होता है। तो हमने यहाँ तक लिखा कम्प्लीटली। अब जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं वो इसको, डायग्राम को बना लीजिए, राइट, इसे बना लीजिए और फॉर्मूला लिख लीजिए। अब हम इसको इंग्लिश मीडियम वालों के लिए बोल रहे हैं, तो वो लिखिए, द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, ठीक है, द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज द वेक्टर सम, इज द वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑफ इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड, द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज द वेक्टर सम, इज द वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसको आपने लिख लिया होगा, इसके बनाइए, यहाँ पे टॉपिक डाल ही रखा है, ये डायग्राम बनाइए और इसको लिखिए कंप्लीटली जल्दी से, और फिर हम इन पे कल कुछ को, आज कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो स्टूडेंट आप लोगों ने लिख लिया होगा, चलते हैं हम नेक्स्ट, अब हम क्वेश्चंस की तरफ। तो देखिए इसमें कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के बिहाफ पर होंगे, राइट। तो क्वेश्चन डालिए, एक 3 माइक्रोकुलाम का, एक 3, एक 3 माइक्रोकुलाम का बिंदुवत आवेश,
एक 3 माइक्रोकूलम का बिंदुवत आवेश मूल बिंदु पर स्थित है, मूल बिंदु पर स्थित है जीरो पॉइंट फाइव लिख लिए सी से ना, एक्स एक्सिस के लिए ले लेते हैं, 0.5, 0 बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए, राइट? देखिए, अ पॉइंट चार्ज ऑफ 3 माइक्रोकूलम इज प्लेस्ड एट ओरिजिन, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट 0.5, 0। इसे लिखिए, आंसर देखते हैं हम इसका कैसे आता है। जिस स्टूडेंट को आते हैं ये निकालना, फाइंड आउट करना, बहुत अच्छी बात है। आंसर अपना निकालिए, एट लास्ट फाइनली उसके बाद में मैच कर लेना। देखिए स्टूडेंट, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। अ पॉइंट चार्ज ऑफ 3 माइक्रोकूलम इज प्लेस्ड एट ओरिजिन, ठीक है। ये कह रहा है कि एक बिंदु चार्ज है जो 3 माइक्रोकूलम का है, मूल बिंदु पर उपस्थित है, ठीक। तो हमने कह दिया कि चार्ज क्या दे रखा है इसने, 3 माइक्रोकूलम ये दे रखा है, ठीक। इसे क्या बोल सकते हैं वो बाद में देखते हैं। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट दिस, आपको क्या निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कहाँ, आपको जो रेडियस इसने दे रखी है, जो पॉइंट दे रखा है आर, वो क्या है, 0.5, 0, ठीक। बच्चों जब ऐसे दिया होता है तो हम क्या मानते हैं, ये एक्स के लिए है और ये किसके लिए है, वाई, एक्स वाई दिया हुआ एटम, वाई तो 0 है तो हमें ये मतलब एक्स के लिए दिया हुआ है। तो हम सीधा लिख दें कि एक्स क्या दिया हुआ है, 0.5 एक्स कैप लिख देते हैं डायरेक्टली, ठीक है। कि डायरेक्शन बनानी है, डायरेक्शन हमें मालूम है कि कैसे होगा, देखिए एक्स है 0.5 पे, वाई है 0, मतलब कि अगर इसको माने 0, यहाँ 1, यहाँ 2 और इधर 3, तो जो ये वाला पॉइंट है चार्ज हमारा यहाँ पर है 0.5 पे, जहाँ पे वाई कितना है 0 है, यहाँ चार्ज है कितने का है, 3 माइक्रोकूलम, ठीक है। एक्स दे रखा है, क्यू दे रखा है, आर दे रखा, मतलब ये दे रखा है हमें, हमसे कहा है इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी बताओ कितनी होगी। देखिए तो ज़रा,
आपको मालूम है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम क्या लिखते थे, ई वेक्टर इज इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आता था। यहाँ आर का वाई तो खत्म है तो सिर्फ कौन है, एक्स पे, क्योंकि ये चार्ज कहाँ पे बैठा हुआ है, एक्स डिस्टेंस पे बैठा हुआ है। तो हमने लिखा के क्यू अपॉन में एक्स का स्क्वायर, डायरेक्शन लगाते हैं आर कैप, ठीक, लेकिन ये एक्स के लिए है तो बच्चों सीधा लगा दी क्या हमने, एक्स कैप, ठीक है। अब देखिए ये फॉर्मूला है, ये हमें मालूम है, इसमें वैल्यू रख दो। देखो ई वेक्टर इज इक्वल्स टू के कितना आया, 9 × 10⁻¹, और क्यू, क्यू कितना है, 3 μC, मतलब 3 μC का मतलब 10⁻¹⁵ कूलम, राइट। देखिए 3 × 10⁻¹⁶, एक्स स्क्वायर, एक्स कितना है 0.5 का स्क्वायर, और ये कितना आ गया, एक्स कैप। बच्चों आप इसको सॉल्व करेंगे पूरी तरीके से तो हमारे पास में जो आंसर आएगा वो है 1.08 × 10⁵, ठीक। हम फिजिक्स में आपको मालूम है कि यूनिट जरूर लगानी होती है, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, न्यूटन पर कूलम, ठीक है। और ये कहाँ पे है स्टूडेंट्स, एक्स कैप डायरेक्शन पे। तो ये हमारा फाइनली आंसर है किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो इसको राइट डाउन कीजिए, इसको लिखिए, देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे राइट डाउन कीजिए इसको, आपने इसको लिख लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। देखिए इस बार एक क्वेश्चन सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का ले लेते हैं, ये सिंपल चार्ज के कारण था, जो एक चार्ज के लिए था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये पॉइंट है बी, ये है ए, यहां चार्ज है बच्चों 1 μC का,
यहाँ है माइनस में 2 माइक्रो कूलाम का। ए और बी के बीच की जो डिस्टेंस है वो है 2 सेंटीमीटर की, ठीक है। आपसे कहा है व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द मिड पॉइंट ऑफ लाइन जॉइनिंग सेंटर, ठीक है। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन जॉइनिंग सेंटर। लिखिए इसे, मतलब आपसे इस क्वेश्चन के अंदर ज्ञात करा रहा है कि विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान क्या होगा, विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान क्या होगा। दो आवेशों के मध्य दूरी पर, ठीक है। तो इसको लिखिए, पहले आंसर की तरफ चलते हैं हम अपने। तो देखिए स्टूडेंट्स, विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान क्या होगा दो आवेशों के मध्य बिंदु पर, ठीक है। देखो ऐसे जब क्वेश्चंस दे दिए जाएं तो इनको पहले ढंग से पढ़ें और देखें कि क्या फाइंड करना है। यहाँ हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि अगर कोई एक है ए पॉइंट, यहाँ है कोई बी पॉइंट, ठीक। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी दे रखी है स्टूडेंट्स, 2 सेंटीमीटर दे रखी है, राइट। जिस पे चार्ज है 1 माइक्रो कूलाम और यहाँ पे है माइनस का 2 माइक्रो कूलाम, ये दे रखा है, ठीक। आपसे कहा है ये जो लाइन जॉइनिंग सेंटर है इनके बीच का जो ये इस तरीके से रेखा खींची गई है उसके मध्य बिंदु पर, मध्य बिंदु मतलब ये मतलब कि 1 सेंटीमीटर इस बार ये हो गया और ये वाला भी बच्चों कितना हो चुका है 1 सेंटीमीटर, मतलब कि इसके मध्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान कितना होगा हमें वो निकालना है। देखिए तो जरा एक बार डायरेक्शन बनाते हैं, इसकी दिशा बनाते हैं। हमें पता है जिस पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालते हैं वहां पर हम कोई पॉजिटिव चार्ज मानते हैं, ठीक। ये जो है, ये जो चार्ज है प्लस का है, ये प्लस का, प्लस प्लस को क्या करेगा स्टूडेंट्स, रिपेल करेगा। तो मतलब इस वाले चार्ज की दिशा कहाँ पर आएगी, इस दिशा में, प्लस ये वाला माइनस। प्लस माइनस को क्या करता है स्टूडेंट्स, अट्रैक्ट करता है, तो अट्रैक्ट करेगा तो भी इसके पास जाने की कोशिश करेगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात। ये इस पॉइंट पर अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहे हैं तो यहाँ प्लस का साइन, इस पे प्लस का मानते हैं, प्लस प्लस को रिपेल करेगा तो ये यहाँ गया, माइनस प्लस को अट्रैक्ट करेगा
तो ये कहाँ आया, इस जगह आया। क्लियर हो गई बात। अब देखिए इसको कैसे निकालते हैं। सबसे पहले ए पॉइंट का निकालते हैं, ए पॉइंट के लिए यहाँ पे बिल्कुल वैसे ही निकालना है, डायरेक्शन पता करनी होती है, बाकी बिल्कुल वैसे ही निकालना है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है मैं इसे मान लेती हूँ पी पॉइंट, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी ड्यू टू ए, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट पी पर ए के कारण कितनी आएगी, देखिए इसके कारण के क्यू अपॉन में आर का स्क्वायर। इस बार हम एक्स कैप वगैरह कुछ नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि वो लगाना या डायरेक्शन को इस तरीके से देखना एक ही बात होती है। ठीक, के हमें तो मालूम है वो तो पहले से ही कि 9 × 10⁻¹। चार्ज देखो 1 माइक्रो, माइक्रो को आपको मालूम है किस में चेंज करते हैं, तो 1 × 10⁻¹ अपॉन आर स्क्वायर। आर ये है, ये कितने का है 1 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में ये है बच्चों, तो इसको हमें किस में चेंज करना पड़ेगा, मीटर में। ठीक है, 1 सेंटीमीटर को मीटर में ऐसे बोलते हैं, 1 × 10⁻²⁰ मीटर। ठीक, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है 1 सेंटीमीटर, तो हमने लिख दिया 1 × 10⁻²² का स्क्वायर। आई बात के लिए यहाँ तक। ये जो वैल्यू आएगी इसकी, इस जो पॉइंट की, इस पॉइंट का जो मान आएगा उसे अभी हम ऐसे ही रहने देते हैं, और फिर हम निकालते हैं स्टूडेंट्स ई वेक्टर एट पॉइंट पी ड्यू टू बी, पी पर निकाल रहे हैं बी के कारण। ठीक है, देखिए कितना आएगा, वही के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। के फिक्स होता है 9 × 10⁻¹। चार्ज कितना है इस पे बच्चों, माइनस का 2 माइक्रो, तो हम क्या लिखेंगे 2, तो एज इट इज, माइक्रो के लिए 10⁻¹ अपॉन में वैल्यू कितनी आ गई इसकी 1 सेंटीमीटर, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 1 × 10⁻²² का स्क्वायर। यहाँ तक कि आपकी बात क्लियर हो गई होगी, आपको समझ भी आ गई होंगे। अब यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, ये एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं दोनों के दोनों, एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। आप सोचो अगर कोई एक ही डायरेक्शन में जाएंगे तो वो दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। क्लियर हो गई बड़ी बात, ऐड होंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, इसका टोटल कितना आएगा, ई वेक्टर इज इक्वल्स टू, इन दोनों को सीधा सीधा ऐड कर दो इस बार, ई वेक्टर पी ए प्लस में ई वेक्टर पी बी, ये आएगा। वेक्टर तो हट जाएगा क्योंकि दोनों के बीच में थीटा एंगल कितना है 0, तो इसका मान आएगा E इज इक्वल्स टू ई पी ए प्लस में ई पी बी। ये क्यों लिखा मैंने, देखो अगर सपोज कीजिए ये है एक वैल्यू है A, और इसी लाइन पर एक वैल्यू क्या है B वेक्टर, A वेक्टर B वेक्टर। ठीक बच्चों, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है थीटा बराबर 0 डिग्री। अगर मैं इन दोनों का टोटल फाइंड आउट करूं तो इसको बोल सकती हूं परिणामी मान या फिर रिजल्टेंट, रिजल्टेंट। ठीक है, अब देखिए रिजल्टेंट के लिए क्या आता है फॉर्मूला, रूट में ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा इज एंगल बिटवीन ए एंड बी। यहाँ थीटा जो एंगल होता है वो ए और बी के बीच का होता है, कितना है वैल्यू 0 0। कॉस 0 कितना होता है बच्चों 1, इसे भी हटाया, क्या बना सिर्फ ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये किसका फॉर्मूला है, ए प्लस में
बी का होल स्क्वायर और लगा दिया रूट। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आता है, सीधा सीधा ए प्लस में बी। तो सेम इसकी तरह हमने यहाँ देखा कि मुझे इन दोनों को ऐड करना है, तो पी ए वाले को और एक पी बी वाले को, दोनों को ऐड करना था, थीटा एंगल कितना था 0 डिग्री, तो हमने कहा इनको सीधा सीधा ऐड कर सकते हैं, राइट। तो बच्चों आप इनको सॉल्व करोगे और इसको सॉल्व करोगे, इसको ऐड करके मतलब इसको पूरा सॉल्व कर सकते हो, मैथमेटिक्स है, इसको मैथमेटिक्स है सॉल्व करोगे, और दोनों को क्या करोगे, योग करोगे, इन दोनों का क्या करेंगे हम, सम करेंगे। तो हमारा आंसर आएगा 2.7 × 10⁸ न्यूटन पर कूलम, ये आएगा हमारा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करिए एक बार, बहुत इजी क्वेश्चन है वैसे तो, लिखिए इसे। इसमें इसको समझ समझ के लिखना, स्टूडेंट आपने ये क्वेश्चन लिख लिया होगा। इसी के साथ में हम लोगों का इलेक्ट्रिक फील्ड क्लियर होता है और उसके बिहाफ पर हमने 2 क्वेश्चन कर लिए हैं। बाकी आपके पास बुक है तो आप लोग उसको ट्राई कीजिए और क्वेश्चंस ट्राई कीजिए। ठीक है, थैंक यू।